नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। खबर ललितपुर से है, जहां पानी की किल्लत से परेशान सिविल लाइन मोहल्ले के नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे मोहल्लेवासी बेहद परेशान हैं। पार्षद कुंदन पाल ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने नागरिकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और वहां लगे वाटर कूलर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पार्षद कुंदन पाल का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि नागरिकों को इस परेशानी से निजात मिल सके। मोहल्ले के अन्य निवासियों ने भी अपनी समस्या को प्रमुखता से उठाया और जिला प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की ये रिपोर्ट। जहाँ पर ललितपुर का तापमान 45 डिग्री के ऊपर और वहीं पर ललितपुर के वासी जहाँ पर पानी की कमी के कारण जहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे हैं, वही आपको बता दें कि ललितपुर जिले के अधिकांश मोहल्ले अभी भी पीने वाले पानी से वंचित है। वहीं पर वार्ड नंबर 17 की बात करें तो खुद पार्षद कुंदन पाल जी जहाँ पर धरने में बैठे हैं और साथ साथ में पूरे जब वहां के मोहल्लेवासी, हम आपको बता दें कि एक मोहल्ले की बात नहीं है, ये सभी मोहल्ले की बात है जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर धरना प्रदर्शन है। और वहीं पर मटका फोड़कर जहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए और वहीं पर जिलाधिकारी के जहाँ पर द्वार पर बैठे हैं धरना देकर, आइए जानते हैं उनकी जवानी क्या है, उनका कहना कौन कब से पानी नहीं आ रहा और बिना पानी के कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नमस्ते भैया, आपको बताना है कि वार्ड नंबर 17 सिविल लाइन द्वितीय है, मैं कई दिनों से, कई इलाकों में तो कई महीनों से, सालों से पानी नहीं आ रहा। जैसे हमारा देवगढ़ रोड है, आरएमएस गली है, वहाँ नए पुल तक, वहाँ तो कई सालों से पानी नहीं आ रहा। तो वहाँ इसके अलावा हमारे जो बाढ़ है घर के, जब पूरा बाढ़ जो आपका बंडी कॉलेज के पीछे वाला क्षेत्र है, चेतवन मंदिर के पीछे वाला क्षेत्र है, तलैयावा के वाला क्षेत्र है, उधर राम सेवक स्वर्गीय दाऊ कंप्यूटर वाली गली है, और गर्जा पैलेस के सामने सूचना केंद्र, गुल्लन की चक्की के सामने, और उधर राजा तीरा वाले रवि चौबे जी के मकान, कपिल गेस्ट हाउस के पीछे वाला एरिया। इसके अलावा जो जैन मंदिर है, आदिनाथ जैन मंदिर, बरिया भवन, आकाश होटल की वाली गली, और मतलब पूरा एरिया वहाँ 15 दिन से ये मानो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा, और टैंकरों से पानी, पर्याप्त टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है। एक दो टैंकर आते तो पता चलता है लड़ाई हो जाती है, और जो बुजुर्ग महिला है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो पानी उनको नहीं मिलता है। जिलाधिकारी खुद स्वयं मोहल्ले मोहल्ले जहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे और पानी की पर्याप्त मात्रा के लिए जहाँ पर पहुंच रहे थे, तो क्या जिलाधिकारी के द्वारा जो अभी हमारे बाढ़ में जिलाधिकारी महोदय साहब नहीं गए हमारे, उनको हम 4-5 बार ज्ञापन दे चुके, उन्होंने अभी चुनाव के पहले भी हमने ज्ञापन दिया था और बताया था, अभी चुनाव चल रहे थे और हम लोग नहीं चाहते मोहल्ले वाले चुनाव में पूरा सहयोग कर रहे थे, क्योंकि मोहल्ले वालों में आक्रोश था पानी के लिए। दिन रात में भी 12 बजे पता चलता है कि लोग हेडपंप में खड़े हैं, तो हेडपंप में भी दम तोड़ दिया है, हेडपंप में भी पानी नहीं आ रहा है, और आए दिन हेडपंप बिगड़ रहे हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं है। और हमारे मोहल्ले के लोगों ने जो चुनाव हुआ अभी उसमें पूरा सहयोग किया, कि चुनाव में पूरे शांति से उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, और सब लोग नहीं, उसके पहले आक्रोश था उसके पहले से, लेकिन और टंकी पूरी टूटी पड़ी है, टंकी भी नहीं भरी आ रही है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मोहल्ले की लाइन है वो चांदवारी या नेहरू नगर से अभी जोड़ी दिया जब तक तो पानी की समस्या है, और जो नलों में पानी दिया जाए। अभी आपके मोहल्ले से जो टंकी जुड़ी हुई है वो टंकी कहाँ की है? वो टंकी आदतपुरा लेड़िया पर है, और वो पूरी टंकी ऊपर से जर्जर है, वो बन नहीं रहे। हम लोग कुछ गए थे वहां देखने, पूरी टंकी नहीं भरी, गिरी गई, मतलब हालत खराब है। अब जब पानी नहीं मिलेगा, आप बताइए, हमारे मोहल्ले में कई कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा। अभी कुछ लोग आए थे अपने मामा के यहाँ या मौसी के यहाँ या बुआ के यहाँ, वो बच्चे भी चले गए, कहले आपके यहाँ पानी नहीं है। तो मतलब कई घर ऐसे हैं जो अपने ताला लगा के अब पानी के लिए कई रिश्तेदार चले गए, पलायन कर गए। हाँ, पलायन कर गए। इस बार स्थिति बहुत खराब है, 20-15 दिनों से हम लोगों मोहल्ले वालों ने पूरे चुनाव में प्रशासन का सहयोग किया, और कहीं भी मतलब जो है कोई भी, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो गए, अब हम लोगों की मांग है कि हमें पानी चाहिए और नलों से पानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर पानी की समस्या के लिए बैठे हुए हैं और वहीं पर इनके द्वारा कहा गया है कि मोहल्ले में जहाँ पर पानी की व्यवस्था जिस टंकी से होती थी उस टंकी में जहाँ पर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की इस पर नजर क्यों नहीं पड़ रही है जिसमें पानी की सप्लाई मोहल्लों में होती है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? नीना। कहाँ की निवासी है? अच्छा, बिना पानी के कैसे रह रही हैं? पानी नहीं मिलता, हिसाब आ नहीं रहा। अरे, सुबह से फिर कैसे आप जीवन काट रही हैं? कैसे जीवन का करे, कौन से दूर से भर लिया। कितने दूर से जाती हैं? बिला दूर जानी,
नालान पे काउंटिंग काम के काम। अच्छा कब से पानी भरने के लिए बाहर जा रहे हैं? दस बारह। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ की निवासी है? चेतपाल मंदिर। बिना पानी के कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या करें, पानी नहीं मिल रहा है। एक किलोमीटर दूर जाते हैं हम लोग भरने के लिए, टैंकर आते नहीं है कि उसी से भर लेते। टैंकर आते तो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें, तो माताएं बहने सब लोग लड़ती हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि पानी की समस्या के लिए जहाँ पर मोहल्ले वासी धरना दे रहे हैं और वहीं पर जिला अधिकारी को आए हैं ज्ञापन देने के लिए और पानी की समस्याओं से निदान पाने के लिए वहीं दे रहे हैं ज्ञापन। अब देखने वाली बात यह होगी इनकी प्रार्थना पत्र देने का कोई असर होता है कि नहीं होता है, इन्हें पर्याप्त पानी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, यह सब देखने की व्यवस्था बने रही है। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।